आदमी कासिम। हाँ हाँ वो कासिम ही था। उसे सिर्फ एक चीज की जलन थी, सिर्फ एक चीज की, एक गोली की। वो गोली जो उसकी दाएं पांव की पिंडली में आके गड़ गई थी। वो तड़प रहा था पर वो आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा उसकी बीवी की लाश वहां पड़ी हुई है। ये देखकर तो मानो जैसे कासिम की आंखों में खून ही उतर आया हो। उसका बस चलता तो अपनी तलवार उठाता और निकल जाता बाहर उन दंगों में शामिल होने के लिए। पर अचानक ही उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। शरीफन बेटा देखो अब्बा आ गए। शरीफन बेटा डरो मत, बेटा तुम जहां भी कहीं हो यहां हो, तुम्हारे अब्बा आ गए। देखो शरीफन बेटा, शरीफन कहां हो तुम? अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो तुम्हारा अब्बा है बेटा। शरीफन 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 बोलता हुआ कासिम औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा एक गज की दूरी पर उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी, नंगी, बिल्कुल नंगी, गोरा गोरा सुडोल जिस छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे स्तन। ये देखकर तो मानो जैसे कासिम का पूरा वजूद ही हिल गया हो। पागल हो चुका था वो, पागलों की तरह इधर उधर अपने हाथ पांव जमीन पर मारने लगा। उसको जो कपड़ा मिला उसने वो उठाकर अपनी बेटी के तन की तरफ फेंक दिया। कासिम बौखला चुका था बौखला, पर एक बार फिर मरी हुई आवाज में उसने कहा, मेरी बेटी शरीफन। यही बोलता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। उसने अपनी तलवार उठाई और निकल गया घर से बाहर। घर से बाहर निकलते समय उसको अपनी बीवी की लाश दिखाई नहीं पड़ी। लाजमी है कैसे दिखाई पड़ती, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो नंगी शरीफन की तस्वीर छाई हुई थी। कासिम गरम लावे की तरह सड़क पर बहता चला गया। उसकी नजरों के सामने जो भी आया कासिम ने उसे मार डाला। आओ सालो, आओ, है कोई हिंदू? आओ, ये देखो, मैं हूं तुम्हारी मौत। आओ सामने सालो हिंदू, आओ, है कोई? थोड़ी ही देर के बाद सड़कों पर लाशों का ढेर लग गया था। अल्लाह अकबर! कासिम के सिवा सड़क पर वहां और कोई ना था, बस लाशें ही थी। पर कासिम का प्रतिशोध यहां खत्म नहीं हुआ था। कासिम ने अपने गरम गुस्से का रुख एक सुनसान गली की तरफ मोड़ लिया। कासिम उस गली में बढ़ता गया। थोड़ी ही दूर पर जाके उसे वहां एक दरवाजा दिखा जिस पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ था। ये देखकर कासिम फिर पागल हो गया। तोड़ दूंगा दरवाजा, हट हट हट। कौन है अंदर? मैंने पूछा कौन है अंदर? सामने आओ। कौन हो तुम? सुना नहीं? मैंने पूछा कौन हो तुम? हिंदू
थोड़ी ही देर बाद कासिम ने देखा कि उसके दोनों हाथ उस लड़की की गर्दन में धसे हुए थे। उसने झटक कर अपने हाथों को पीछे कर लिया। क्या हुआ? क्या हुआ?